नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कविता क्रमांक 7 मेरी बिटिया रानी इस कविता का गायन और वाचन देखा। अभी हम इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। अभी इस चित्र में एक माँ और बेटी दिखाई दे रहे, तो यह माँ अपने बेटी के बारे में बता रही है। वो कैसे हरकतें करती, कैसे शरारत करती है, वह इस कविता में बता रही है। माँ अपने बचपन को याद कर रही थी, बुला रही याद कर रही थी, तभी उन्होंने अपने बेटी को देखा कि वो कैसी है, वो इस कविता में बता रही है। नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग में खिला हुआ फूल जैसी उनकी, वह कह रहे हैं मेरी बिटिया है, बिटिया रानी है। छोटी सी कुटिया मेरी, कुटिया का अर्थ होता है घास फूस का छोटा घर। माँ के लिए अपने बच्चे ही उनका घर होते हैं। वो कह रही है कि नंदन वन में खिला हुआ फूल, मतलब जो स्वर्ग में खिला हुआ फूल जैसी मेरी बेटी है, बिटिया रानी है, और वह ही मेरी छोटी सी कुटिया है, वही मेरा घर है। माँ आओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी। यहाँ पर देखो, वो बिटिया रानी अपने माँ को बुला रही है और माँ आओ कह रही है, और उसके मुँह में मिट्टी लगी थी और वह अपने माँ को बुला रही थी क्योंकि उसने मिट्टी खाई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। उसके हाथ में मिट्टी लगी थी, कुछ मुंह में लगी थी और कुछ हाथ में लगी थी, और वह माँ के पास गई और माँ को बोल रही थी कि माँ आओ तुम क्या करो, मिट्टी खाओ। मैंने पूछा यह क्या लाई, माँ ने उसको पूछा कि तुमने ये क्या लाया है, तो वो बोली कि माँ काओ, काओ का अर्थ होता है खाओ। अभी देखो, जैसे छोटे बच्चे होते वो थोड़ा तोतरे बोलते हैं, ऐसे स्पष्ट भाषा नहीं बोलते हैं, थोड़ा अड़क अड़क के बोलते हैं, तो वह वैसे बोली थी काओ, मतलब खाओ। माँ खाओ फूल, फूल में उठी खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। अभी वो माँ के पास मिट्टी लेकर आई थी अपने मुट्ठी में, हाथ में, और माँ को बोल रही थी कि तुम भी खाओ, और क्योंकि उसके मुंह में मिट्टी लगी थी तो माँ ने पहचाना कि इसने क्या की है, मिट्टी खाई है, और उसके हाथ में भी मिट्टी है थी, और वह मिट्टी वो क्या कर रही थी, अपने माँ को दे रही थी और माँ को कह रही थी कि तुम खाओ। तो माँ ने कहा उसे, नहीं तुम खाओ को फूल, फूल में उठी खुशी से। खुशी से फूलना मतलब बहुत खुश होना। वो बहुत खुश थी और वो अपने बिटिया की शरारतें देख रही थी। धन्यवाद।